Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. Mohtarma Taqdees Kirani Sahiba, Parliamentary Secretary Brae Taleem, Janab Dr. Kareem Abbasi Sahib, VC Jamia, Moazzaz Membrane Faculty, Talbao Talbao, Assalamu Alaikum. यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम आज की इस तकरीब में कश्मीर का कश्मीर के खसूसी हवाले से ऐसे मौजूआत का इंतखाब किया गया है जो कि ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अहमियत रखते हैं बल्कि ये ऐसे मौजूआत हैं जिनका ताल्लुक तमाम आज़ादी पसंद अशखास और अकवाम के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कौमों का हक हक खुद इरादियत और किसी खिता में रहने वाले अशखास की तहजीबी नस्ली जुग्राफियाई लसानी और मजहबी शनाख्त ऐसे बुनियादी अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर ही जदीद कौमी रियासतों का वजूद कायम होता है। गुज़िश्ता सदी की दो अजीम जंगों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियाँ और मुस्तकबिल में नौ इंसानी के तहफ़ और बैनुल अक़वामी अम के क़याम के लिए कायम होने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमों में हक़ खुद इरादियत और कौमी शनाख्त को बुनियादी अहमियत हासिल है। अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद दो फितरी असूलों पर रखी गई है जिनमें महज़ब दुनिया में इन असूलों को आलमी अमन सलामती और इंसानियत की फलाह बहबूद की कुंजी समझा जाता है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को 5 जनवरी 1949 की करारदाद में न सिर्फ वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया गया बल्कि इस करारदाद में दीगर करारदादों पर अमल दरामद और आज़ादाना राय शुमारी के लिए वाज़ेह रोड मैप भी दिया गया है। आज के प्रोग्राम में यकीनन अहल कलम और अहल इल्म हजरात इस दिन के मुनासबत से इन मौजूआत पर तहकीकी और इल्मी मफाद पेश करेंगे और हम सब को मसला कश्मीर के असल तनाजर में समझने और इसको दुरुस्त तौर पर उजागर करने में मदद देंगे। मौजूद मेहमान ने ग्रामी जिस तरह आज की तकरीब आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के इस्तराक से मुनक्कद की जा रही है इसी तरह के दीगर प्रोग्राम भी कश्मीर के हवाले से दोनों इदारों के इश्तराक से अक्सर मुनक्कद होते हैं। इस सिलसिले में जनाब डॉक्टर कलीम अब्बासी वाइस चांसलर और उनके रुफका का तआवुन हमेशा मिसाली रहा है मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल जिसके चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर हैं मसले कश्मीर के हवाले से तहकीक को तदवीन को फ़रोग देने और मसले कश्मीर को अंदरून रियासत और बैनुल अक़वामी तौर पर तरवीज देने के लिए इसके फ़राइज में शामिल हैं। इस सिलसिला में मसले कश्मीर के हवाले से तहकीक करने वाले इदारों और अशखास से मुसलसल रब्ता रखना और मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं को नौजवान नस्ल तक पहुँचाना और उनको जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया तक रोशनास कराने के लिए महारत फ्राहम करना हमारी अवलीन तरजीहात हैं। तमाम इजलाई और तहसील हेडक्वार्टर्स में स्कूल और कॉलेजेस में मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर मल्टी मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाता रहा है और कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से ये सरगर्मियाँ हमें कुछ महदूद करना पड़ी हैं। आज का दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है और ज़िंदगी के तमाम शोबों में इससे इस्तफादा करना अहम ज़रूरत बन चुकी है। मसले कश्मीर को इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से दुनिया में उजागर करने बैनुल अक़वामी तंजीमों और इदाराजात तक कश्मीरियों की आवाज़ मौसर तौर पर पहुँचाने के लिए इन इदाराजात के तरीक़ाकार को अपनाना वक्त का तकादा है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल ने आज से 4 साल कबल इलेक्ट्रॉनिक लॉबिंग कंपेन शुरू की थी। इसके तहत यूनिवर्सिटीज के तलबा तलबात को कंटेंट राइटिंग की तरबियत और बदरिया ई मेल बैनुल अक़वामी इदाराजात तक तरसील का मैकेनिज़म समझाया जाता है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी हादा के शोबा कानून के 2 असातिज़ा की खिदमात हासिल की गई। विमेन यूनिवर्सिटी बाग और पुंछ यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स का अहतमाम 2019 में किया गया जो कि बहुत कामयाब रहा। तहम कोविड की वजह से इसका तसलसल जारी ना रह सका अब इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है
और हमें आइंदा के लिए आज़ाद कश्मीर की दीगर यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप्स के बाद हमारे तलबा की एक खासी तादाद इसमें महारत हासिल कर सकेगी। जनाब वज़ीर आज़म ने अपना ओहदा संभालते ही मसले कश्मीर को अंदरून रियासत और बैन अवी सतह पर उजागर करने के लिए जम्मू कश्मीर लिब्रेशन सेल की तनजीम नो का फैसला किया और इस सिलसिला में जम्मू कश्मीर और मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसर्च पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। रिसर्च के लिए कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अलहदा यूनिट जलालाबाद में कायम किया गया है। यहाँ तलबा स्कॉलर्स और इंसानी हकूक से मुतलक कारकुनान की सहूलत के लिए लाइब्रेरी कायम की गई है, जबकि रिसर्च में दिलचस्पी रखने वालों और तलबा के लिए आइंदा एक दो हफ्ते में तहकीकी तरीक़ाकार रिसर्च मेथडोलॉजी पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर से भी रिसोर्स पर्सन की खिदमात हासिल की जाएंगी। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के मुख्तलिफ मौजूदात पर बहस व मुबाहसा और तलबा आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। इस इदारा के ज़ेर एहतमाम एक रिसर्च जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कश्मीर स्टडीज़ भी शाया किया जा रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतलक खबरों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को माहनामा कश्मीर टूडे में शाया किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीक और उनको दुनिया के सामने उजागर करने के लिए खसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस सिलसिला में इंस्टीट्यूट तहकीक और कंप्लेंट राइटिंग के बैन अवी मैार के मुताबिक तलबा उसाज़ा कराम इंसानी हकूक से मुतलक कारकुनों को तरबियत और सहूलत उनको फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर लिब्रेशन सेल का रावलपिंडी ऑफिस मीडिया सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। मुल्की और बैन अवी मीडिया की मॉनिटरिंग बाकायदगी से की जा रही है और सोशल मीडिया पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया जा रहा है। मसला कश्मीर को बैन अवी सतह पर उजागर करने में सबसे अहम किरदार हमारी बैरून मुल्क मुकीम कश्मीर कम्युनिटी का है। उनके साथ हमारा मुसलसल रबता है और इसके लिए हमने एक मुस्तकिल सेंटर कायम कर रखा है जो कि मीरपुर में है। मौजूद हाजरीन, मसला कश्मीर पर तहकीक, जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और नौजवानों को शामिल किए बगैर हमारी कोशिशें कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकती। हमें इसका इदराक होना चाहिए कि भारत इन तमाम शोबाजात में हमसे आगे है, इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत है कि फौरी इकदाम उठाए जाएँ। हमें इस सिलसिले में तमाम सलाहियतों और वसाइल को बरूए कार लाते हुए इज्तमाही जद्दोजहद की ज़रूरत है। इदारा की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम जिनका तस्करा मैंने ऊपर किया है, इन पर अमल दरामद और खातर ख्वा नतायज जनाब वज़ीर आज़म की खसूसी तवज्जो पर आप तमाम अहले इल्म दानिश की रहनुमाई और हौसला अफजाई के बगैर मुमकिन ना होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका तआवुन हमेशा जारी रहेगा। बहुत